Mr. Bajpayee, please. Mr. Bajpayee. यह प्रस्ताव पेश कर रहा हूं कि यह सभा देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति पर विचार करती है। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती उत्सव के दौरान इस विशेष अधिवेशन का आयोजन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ये अधिवेशन उन्मुक्त वातावरण में हो रहा है, न प्रश्नकाल है, न शून्यकाल है। प्रश्नकाल न होने से मंत्री स्वतंत्र हैं, सदन में रहना उनके लिए आवश्यक नहीं है। शून्यकाल शून्य में विलीन होने के कारण हमारे मीडिया के मित्र ये भरोसा कर सकते हैं कि आज कोई हाथापाई की नौबत आने वाली नहीं है। न सभा के पटल पर कागज पत्रों को लिटाने का सवाल है और न नियम 377 के अधीन अपनी व्यथा कथा कहने की गुंजाइश है। लेकिन मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है जो सब विषयों का समावेश करता है। मैं सोच रहा था कि कहां से आरंभ करूं और कहां से अंत करूं, लेकिन आपके भाषण ने इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। भाषण बहुत सार गर्भित था, विस्तृत था। शायद ही राष्ट्र जीवन का कोई प्रश्न, कोई पहलू उससे छूटा हो। मैं नहीं जानता एक सदस्य के नाते मैं आपके भाषण पर टिप्पणी कर सकता हूं या नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके इस आह्वान का स्वागत करता हूं, अनुमोदन करता हूं कि देश को दूसरे स्वतंत्रता संग्राम में जूझने की आवश्यकता है। 50 साल बीत गए, वक्त जाते देर नहीं लगता है। आधी सदी गुजर गई, लेकिन आधी सदी हमारे सामने है। नई शताब्दी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नया युग आने वाला है और हम जब 50 साल का लेखा जोखा लेने के लिए बैठे हैं, स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान इस बात की ओर जाए कि आखिर हमने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन सब के बावजूद देश अपने सारे सपनों को पूरा क्यों नहीं कर सका है। आज जब हम स्वाधीनता को शाश्वत और अमर बनाने का संकल्प ले रहे हैं, यह प्रश्न उठता है हमारे मनों में, बार बार गूंजता है कि आखिर हम पराधीन क्यों हुए। 50 साल का समय कोई अधिक लंबा समय नहीं होता।
व्यक्ति के जीवन में 50 साल एक लंबा समय हो सकता है, मगर भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के जीवन में नहीं, जिसकी सभ्यता और संस्कृति 5000 साल से भी अधिक पुरानी है। किसी नए राष्ट्र का जन्म नहीं हो रहा सचमुच में, हमारे राष्ट्र जीवन में एक नए अध्याय का श्री गणेश हो रहा है। लेकिन हां, भारतीय गणराज्य का जन्म हो रहा है। जब हम पराधीनता के कारणों पर विचार करते हैं तो हम इसलिए पराधीन नहीं थे कि हमारे पास धन नहीं था, दौलत नहीं थी। भारत सोने की चिड़िया थी, इसीलिए आक्रमण का शिकार थी। क्लाइव ने 1757 में विभाजित बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद के बारे में जो कुछ कहा था, मैं उसका यहां उल्लेख करना चाहता हूं। द सिटी इज एज एक्सटेंसिव पॉपुलस एंड रिच एज द सिटी ऑफ लंडन विद दिस डिफरेंस दैट देयर वेयर इंडिविजुअल्स इन द फर्स्ट पजेसिंग इनफाइनाइटली ग्रेटर प्रॉपर्टी देन इन द लास्ट सिटी। इस संबंध में रजनी पाम दत्त का जो कथन है वो भी उद्धृत करने लायक है, जिसमें उन्होंने कहा कि 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन भारत को कोई ऐसी चीज देने की स्थिति में नहीं था जो भारत के पास नहीं थी, चाहे वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हो और चाहे वो टेक्निकल स्टैंडर्ड की दृष्टि से हो। 200 साल में देश की स्थिति क्या हो गई, हम सब उससे परिचित हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं हारे कि दौलत नहीं थी, हम इसलिए भी नहीं हारे कि हमारे पास सेना नहीं थी, पराक्रम नहीं था, पौरुष नहीं था। पानीपत के मैदान में हमारे पास सेना अधिक थी, हम हार गए, स्वाधीनता खो बैठे। प्लासी में तो लड़ाई हुई नहीं, विश्वासघात हुआ। प्लासी के मैदान में जब लड़ाई चल रही थी तो लड़ने वालों से ज्यादा लोग प्लासी के मैदान के बाहर ये देख रहे थे कि इस लड़ाई का निर्णय क्या होता है, मानो वहां कोई तमाशा हो रहा था। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, हमारी संस्कृति सनातन है, लेकिन हम एक सार्वभौम सत्ता का निर्माण नहीं कर सके, हम भारत को एक संगठित राज शक्ति में नहीं बदल सके, एक राज्य का रूप नहीं दे सके। देश पटा रहा टुकड़ों में, राजों में, रजवाड़ों में, वो अपने वातावरण में खोए रहे और हम परास्त हुए, पराधीन हुए। शताब्दियों बाद लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार तक ये सारी भूमि एक झंडे के नीचे आई है, भारतीय गणराज्य अपनी संपूर्ण गौरव गरिमा के साथ खड़ा है। यह अभिमान की बात है, यह जिम्मेदारी की बात भी है। इस गणराज्य की रक्षा होनी चाहिए, गणराज्य मजबूत हो, समृद्धिशाली हो, और ऐसी समृद्धि हो जिसमें सबको हिस्सा मिले, सामाजिक समता हो, समरसता हो। आपने उल्लेख किया ये देश अंतर विरोधों से भरा हुआ है, मगर इस देश में अंतर विरोधों के बीच में सामंजस्य और सौमनस्य पैदा करने की भी अद्भुत क्षमता है, अद्भुत शक्ति है। कितनी विविधता है, भविष्यवाणियां हुई थी कि भारत एक नहीं रहेगा, 500 रियासतों में देश बटा था, मातम के मसीहा घोषणाएं कर रहे थे कि अंग्रेजों ने एक विभाजन किया है, दूसरा विभाजन ये स्वयं करेंगे। उनकी भविष्यवाणियों पर पानी फिर गया। हम एक गणराज्य के रूप में खड़े, और दूसरी उपलब्धि हमारी यह है कि हमने लोकतंत्र की रक्षा की है, लोकतंत्र के अनुसार हम चल रहे हैं, लोकतंत्र को हमने सफल बनाने का प्रयास किया है। इसके बारे में भी भविष्यवाणी थी, इतनी विविधताओं का देश, शिक्षा नहीं है, गरीबी है,
मताधिकार का उपयोग कैसे होगा, ये मजहब के आधार पर बटे हुए हैं। आपने बड़े प्रभावशाली ढंग से इसका उल्लेख किया है। मताधिकार का उपयोग करके सरकारें बदली गई हैं, सत्ता परिवर्तन हुआ है। लोकतंत्र हमारा आधार है, हमारी एकता को पुष्ट करने का सबसे बड़ा कारण है। ये बात अलग है कि 75 में 76 में लोकतंत्र पर आंच आ गई थी, लोकतंत्र के माथे पर कलंक का टीका लग गया था। आज अध्यक्ष महोदय सब मामलों में माफी मांगने की बात हो रही है, माफी मांगे, माफी मांगो। जिन्होंने 75-76 में इमरजेंसी लगाई, 19 महीने तक नेताओं को जेल में डाला, उन नेताओं में जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे, मुरारजी भाई भी शामिल थे, और भी उस भक्त भोगी उधर भी बैठे हुए हैं, उसके लिए भी किसी को माफी मांगना चाहिए। कम से कम ये संकल्प करना चाहिए कि हम लोकतंत्र को दोबारा खतरे में नहीं पड़ने देंगे। और मैं खतरों की बात इसलिए कर रहा हूं कि लोकतंत्र के लिए सचमुच में संकट पैदा हो रहे हैं, आम आदमी से नहीं। वो तो भरोसा करके बैठा है, मगर जिन पर भरोसा करके बैठा है उनके कारण लोकशाही खतरे में है। राजनीति का अपराधीकरण, इलेक्शन कमीशन के एक माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े दिए हैं, अखबारों में छपे हैं, मैंने भी पढ़े हैं, वो चौंकाने वाले। कहां कितने अपराधी बैठे हुए निर्वाचित जगहों पर, इसका पूरा विवरण है। चुनाव के पहले कितने अवैध हथियार बरामद किए जाते हैं, कितने वैध हथियार बरामद किए जाते हैं, इसका लेखा जोखा है। हम किधर जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, इस परिवर्तन को मैं सूक्ष्मता से देखता रहा हूं, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। पहले अपराधी हमारे पास आते थे अपने बचाव के लिए, फिर उसके बाद दूसरी स्थिति आई, अपराधी हमारे पास आने लगे हमारी मदद के लिए। हम उनकी मदद लेने लगे चुनाव जीतने के लिए, पोलिंग बूथ पर कब्जा करने के लिए। अब तो साइंटिफिक रिगिंग हो रहा है, साइंटिफिक रिगिंग। रिगिंग का भी विज्ञान है, रिगिंग भी एक कला है। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं, मुझे किस तरह से हराने का प्रयास किया गया मैं उसमें विस्तार से जाना नहीं चाहता। लेकिन अपराधी की जरूरत पड़ी चुनाव में रिगिंग करने के लिए, तो फिर अपराधियों ने देखा कि अगर हमारी सहायता से जीत कर जा सकते हैं तो हम ही क्यों नहीं जीत कर जाएं? इनको भेजने की क्या जरूरत है? इसके विरुद्ध लड़ना होगा। चुनाव कमीशन ने जो कदम उठाए हैं वो पर्याप्त नहीं है, कुछ बुनियादी चिंतन होना चाहिए। राजनीतिक दल तो अपने घरों में देखें कि इस तरह के व्यक्ति टिकट प्राप्त करने न पाए, लेकिन एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। अपराधी को हराने के लिए अपराधी को खड़ा करना जरूरी हो जाता है। ये खतरनाक सिलसिला है, इसको तोड़ना चाहिए। कैसे रुकेगा राजनीति का अपराधीकरण, यह गंभीर चर्चा का विषय है। इससे लोकतंत्र पर आंच आ रही है। और दूसरा खतरा है चुनाव का बढ़ता हुआ व्यय, चुनाव का बढ़ता हुआ खर्चा। चुनाव कमीशन ने खर्च पर जो सीमा लगी थी वो बढ़ा दी है, कहते हैं ये यथार्थवादी कदम है। कि चुनाव लड़ने के लिए धन कहां से आएगा? चुनाव लगातार महंगे होते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं 1957 में पहली बार लोकसभा का सदस्य चुनकर आया था, मेरे पास दो जीप गाड़ियां थी सिर्फ, एक पार्टी ने दी थी, एक स्थानीय लोगों ने
मुहैया कराई थी और हम चुनाव जीत गए। कार्यकर्ता साइकिल पर जाता था, घर घर जाने की प्रवृत्ति थी, एक एक मतदाता से संपर्क करने का तरीका था। अब तो कोई साइकिल पर जाने के लिए तैयार नहीं। अब दो जीपों से काम नहीं चलेगा, 200 जीपें चाहिए। और मैंने ऐसे चुनाव क्षेत्र देखे हैं जहां 200 जीपें लगाई जाती हैं। ये कहां से आती है? इनका इसका व्यवहार उठाने वाला कौन है? क्या काले धन के बिना चुनाव लड़े जा सकते हैं, जीते जा सकते हैं? उंगलियों पर गिनने लायक लोग शायद होंगे। बरसों से चुनाव सुधारों की चर्चा हो रही है। 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी, मैं उसका उद्धरण देना नहीं चाहता। वही समस्याएं, पब्लिक फंडिंग की सिफारिश की गई थी, उसे माना नहीं गया। पेट्रोल थोड़ा दे दो, इलेक्टोरल रोल दे दो, इतना तो पर्याप्त नहीं है। हम काले धन से चुनाव लड़ना नहीं चाहते, मगर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। कैसे लड़ें? विदेशों से धन आ रहा है, विदेशी धन से चुनाव लड़े जाएंगे, स्वदेशी काले धन से चुनाव लड़े जाएंगे? ये लोकतंत्र कहां जाएगा, ये देश कहां जाएगा? इस संबंध में गहराई से विचार करने की जरूरत है और शीघ्रता से निर्णय करने की जरूरत है। पब्लिक फंडिंग का गंभीरता से विचार होना चाहिए। कई अनुमान लगाए गए। हम संसद के सदस्यों को 1 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विकास के कामों के लिए दे रहे हैं। क्या चुनाव को शुद्ध रखना यह लोकतंत्र के विकास के लिए जरूरी नहीं है? क्या बजट में 500 करोड़ रुपया या 1000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष एक कॉर्पस के रूप में दिया नहीं जा सकता और फिर बाद में उसका उपयोग किया जाए चुनाव के समय? कोई बड़ी रकम आवश्यक नहीं होगी। और फिर राजनीतिक दलों के हिसाब पर सख्ती से नजर रखी जाए। जो भी धन उनके पास आता है उसका हिसाब रखने के लिए उन्हें मजबूर किया जाए। लोगों को उनका एक हिसाब किताब देखने की छूट होना चाहिए, पब्लिक ऑडिट होना चाहिए। किसी राजनीतिक दल को देश की तकदीर के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। चुनाव की पद्धति में भी परिवर्तन का गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अनेक सुझाव आए, मैं उनमें विस्तार से जाना नहीं चाहता। एक सुझाव यह है कि 50% कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग सीधे निर्वाचित होकर जाएं और 50% में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। 50% सीटों पर लिस्ट सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है, खर्चा कम होगा। संकुचित निष्ठाओं के लिए गुंजाइश कम होगी। लोग पार्टी के साथ जुड़ेंगे, व्यक्ति के साथ नहीं। लोकतंत्र के लिए पार्टी का ढांचा भी तो मजबूत होना चाहिए। ब्रिटेन में राजनीतिक दल कम है, संख्या सीमित है। हम तो संख्या सीमित नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी के ढांचे को सबल करने के लिए कदम तो उठा सकते हैं। लेकिन अगर ये सुझाव संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ठीक नहीं है तो और तरीके ढूंढे जा सकते हैं। और एक तीसरा मसला जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं, लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है भ्रष्टाचार से। राष्ट्रपति ने उस दिन केंद्रीय कक्ष में भाषण दिया, उनका पहला भाषण था। केंद्रीय कक्ष उत्साह से भरा हुआ था, उत्साह छलक रहा था। जिन्हें बैठने की जगह मिलना चाहिए थे वो खड़े हुए थे, लेकिन कोई बुरा नहीं मान रहा था। जब पैमाना लबालब होता है तो थोड़ा छलक ही जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे भरोसा किसी के पास आपने शिकायत नहीं की होगी।
हम भविष्य में और अच्छा इंतजाम करेंगे वो बात अलग है, लेकिन पहला भाषण। और उन्होंने गांधी जी को उद्धृत किया भ्रष्टाचार के दानव से लड़ने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन काल में क्या कहा था, हत्या के पहले क्या कहा, भ्रष्टाचार का दानव। वो दानव आज हमें निगलने जा रहा है। प्रधानमंत्री का लाल किले का भाषण तो अधिकांश भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था। मैं उसे उद्धृत करना नहीं चाहता, मैं लाया हूं। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की समाप्ति के लिए सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। श्री गुजराल सत्याग्रह की कल्पना अच्छी है, ये गांधी जी से लिए, लेकिन गांधी जी किसी दूसरे को सत्याग्रह करने के लिए कहते थे तो साथ साथ उस सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए स्वयं भी आगे बढ़कर मैदान में आते थे। कैसे सत्याग्रह होगा, कौन से कदम उठाए जाएंगे, अभी तक क्या हुआ है, 15 अगस्त को बीते हुए हो गई, दिन बीत गए। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कोई सेल बना है, सेल, या पूरा शरीर कैंसर से ग्रस्त हो तो एक सेल को बनाने से या बचाने से क्या होने वाला है, वो सेल क्या करेगा मैं नहीं जानता। हमें आशा करनी चाहिए कुछ करेगा, लेकिन कथनी से नहीं करनी से लोगों के खोए हुए विश्वास को फिर से पाया जा सकता है। मैंने एक लेख पढ़ा इंडियन एक्सप्रेस में, एक अंग्रेजी दैनिक के में, जिसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार के सीबीआई द्वारा परीक्षित मामले 149 मामले ऐसे हैं जो मार्च 1997 के बाद आए हैं और जिनमें सीबीआई प्रधानमंत्री के सचिवालय से या तो चार्जशीट दाखिल करने के लिए या मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांग रही है और अनुमति नहीं मिल रही, 194 मामले ऐसे हैं। मैं जानना चाहता हूं सच्चाई क्या है। भ्रष्टाचार के मामलों में तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, उन्होंने गलत नहीं कहा। जहां जहां लोकतंत्र है वहां भ्रष्टाचार पनपने लगता है, जहां जहां फूल खिलते हैं वहां जंगली घास पैदा होने का खतरा रहता है, लेकिन कुशल माली जंगली घास को काटता रहता है। हमने अपनी आंखों से देखा, अमेरिका के एक राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ा और उपराष्ट्रपति को भी पद छोड़ना पड़ा, जापान के प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ा, कोरिया के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जिन्हें मृत्यु का दंड दिया गया है, इटली में मंत्री जेल गए, यहां भी कदम उठाए गए। मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन कदम धीरे धीरे उठाए गए हैं, सहमे हुए उठाए गए हैं। सत्ता के समीकरण पर उसका क्या असर होगा ये पूरी तरह से आंकते हुए उठाए जा रहे हैं। ये सत्ता का खेल नहीं है, ये राष्ट्र की अस्मिता को बचाने का सवाल है, गणतंत्र की मर्यादा को कायम रखने का प्रश्न है। लोकपाल बिल का विधेयक का क्या हुआ मैं नहीं जानता, क्यों देर लग रही है, खुली चर्चा होना चाहिए। यह भी सुझाव आया है कि जो राजनेता है वो अपनी संपत्ति का पूरा विवरण दें, सब कुछ लोगों के सामने आना चाहिए। और अपनी संपत्ति का विवरण काफी नहीं होगा, अपने रिश्तेदारों की संपत्ति का विवरण देना भी बहुत जरूरी है। इंडियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं, एक इंडियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। सबसे पहले रिश्तेदार, कोई राजनेता चुनकर आता है तो थोड़े दिनों में उसके सगे संबंधी मालदार कैसे बन जाते हैं, ये रहस्य मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। क्या लक्ष्मी रात ही रात में प्रसन्न हो जाती है,
या पराक्रम प्रकट हो जाता है। मैं नहीं जानता मुलायम सिंह जी क्यों मुझे टोक रहे। आपने अपना परिवार बनाया ही नहीं। लेकिन मैंने परिवार नहीं बनाया इसलिए मैं उसे भाव नहीं दे रहा हूं। लेकिन जिन्होंने परिवार बनाया है वो किस तरह से रिश्तेदारों को अनुग्रहित करते हैं ये मैंने देखा है। इस पर रोक लगाने के लिए। जी हाँ, जब हम भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं तो फिर राजनेता से लेकर नीचे तक आज जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन अगर राजनेता निष्कलंक नहीं होंगे, अगर राजनेताओं का जीवन पारदर्शी नहीं होगा तो अफसरों से कहना चाहिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी चाहिए, लेकिन वो नैतिक बल नहीं आएगा। इस नैतिक बल के आधार पर समाज बदला जाता है, व्यवस्था बदली जाती है। ये केवल कानून बनाने का मामला नहीं है, लोकतंत्र एक वातावरण की मांग करता है, लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है और वो लोकतंत्र दांव पर लगाए। अध्यक्ष महोदय, आपने आह्वान किया है हम स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ें, ऐसे भारत का निर्माण करें जिसमें न भय हो, न भूख हो, न भ्रष्टाचार हो। ऐसा भारत हमारे प्रयासों की प्रतीक्षा कर रहा है। हम संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और दावा ठीक भी है, संख्या की दृष्टि से हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी हमारे सदन की लॉबी में बैठकर देखे, जिस दिन हमारे सदस्य पूरे जोर में हों, हमारे लोकतंत्र के बारे में क्या राय बनाएगा। मैंने सभी नेताओं को सदन में, अलग अलग दलों के नेताओं को एक पत्र लिखा है। मैं बरसों से इस सदन में मांग करता रहा हूं कि अगर बाहर के वातावरण को हमें प्रभावित करना है तो इस सदन को हमें ठीक तरह से चलाना चाहिए, शालीन तरीके से चलाना चाहिए। कोई भी सरकार, क्या जरूरी है कि प्रश्नकाल में ही शोर शराबा शुरू कर दिया जाए? प्रश्नकाल तो सदस्यों का काल है, मंत्रियों को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, लेकिन उसके बिना खबर नहीं बनती है। मगर हम लोकतंत्र से बेखबर हो रहे हैं। मैंने सुझाव रखे, तीन सुझाव रखे, प्रश्नकाल में उपद्रव नहीं होना चाहिए और किसी को वैल में नहीं जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उस दिन आपका रोष मैंने देखा। मैं 57 से हूं, कभी कभी इच्छा होती है कि सदन में बैठना नहीं चाहिए, लेकिन न दैन्यम न पलायनम, हम भाग तो नहीं सकते मगर ठीक तो कर सकते। क्या ये जरूरी है कि सदन में बिना, वेल में बिना जाए खबर नहीं बनेगी? बनेगी, बनाना चाहिए। मीडिया को भी इस बात की आदत डालना चाहिए। नौजवान क्या कहेंगे, नई पीढ़ी क्या कहेगी, विधान मंडलों में क्या हो रहा है, चप्पलें फेंकी जा रही, किसी को मुर्दा बनाकर ले आए और टेबल पर लिटा दिया। मैं एक दल को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं अपने दल से भी जूझता रहा हूं इस सवाल पर, श्री चटर्जी मोशाय जानते हैं, लेकिन मैं हार मान लेता हूं। वो कहते साहब और तो रोकते नहीं, अरे और नहीं रोकते तो आप तो रुकिए, मगर सब मिलकर सामूहिक फैसला कर सकते हैं। लोकतंत्र की रक्षा अगर होना है तो उसका आरंभ सदन से होना चाहिए, हमारे अपने व्यवहार से होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आज वो सत्ता में है, वो तो ज्यादा दिन रहने वाले नहीं, कोई और दूसरा है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन आचार का एक मानदंड, व्यवहार की एक कसौटी, संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक आगे बढ़ने का तरीका, आपने अपने भाषण में उल्लेख किया है। कितना समय हम शोर शराबे में खर्च कर देते हैं, कानून तो बनते ही नहीं है।
चाहे सरकार सोचती है कानून बनेंगे तो उनका उल्लंघन होगा, इसलिए बनाओ ही मत। गंभीर विषय पर चर्चा भी नहीं होती। ये तो आपने विशेष आयोजन किया है इसलिए हम सब लोग बैठकर सुन रहे हैं, अन्यथा जब गंभीर चर्चा का विषय आता है सदन खाली हो जाता है, कोरम की घंटी बजती है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर हम चर्चा चाहते थे, डिफेंस बजट पर बहस का मौका नहीं मिलता, विदेशी मंत्रालय की मांगों पर बहस का मौका नहीं मिलता। आपने समय दिया है, मुझे विश्वास है जनसंख्या जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा करने का अवसर मिलेगा, कोई निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। कितने प्रश्न हैं जो अनुत्तरित पड़े हैं, कितनी चुनौतियां हैं जो हमारा सामना कर रही हैं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद कुछ मामलों में सबको मिलाकर चलने की जो हमारी पुरानी पद्धति है, और वही लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का हमने आयात नहीं किया है, पंच परमेश्वर की पुरानी कल्पना है। शास्त्रार्थ के आधार पर फैसले होते थे, ये इस देश की विरासत है। लेकिन हमने राष्ट्रीय पंचायत को एक मछली मार्केट बना दिया है, ये स्थिति बदलना चाहिए। और अगर चार दिन का ये विशेष अधिवेशन हमें लेखा जोखा मिलाते हुए इस परिणाम पर पहुंचाता है कि यद्यपि हमारी उपलब्धियां हैं और हम उन उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन जनता की अपेक्षाएं उससे ज्यादा हैं, जनता की आवश्यकताएं उससे भी ज्यादा हैं, और अगर हम सब मिलकर उन अपेक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते तो आने वाला भारत हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। धन्यवाद।